हम लोग तो बुढ़ापा होएंगे तो हम लोग के मजबूरी में रोड पर बेच रहे हैं। कुछ रोजगार नहीं था करे घर पर कर ही पड़ता है। कॉलेज जाता है, कॉलेज से आके सब्जी बेचता हूँ, खा के कुछ छह गो बाल बच्चा ये नहीं करेंगे ना भूखे मरेगा बच्चा। इसे करने पड़ता है, खिलाने पड़ता है, कमा कमा के। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत है। समय 12 बज रहे हैं, हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड चौराहा पे। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे पूरा सन्नाटा है और यहाँ पे सब्जी वाले हैं वो आपको दिख रहे होंगे कि किस तरह से सारा जो है वो बांध रहे हैं। बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर। तो 12 बज गया अब तक यहीं है। समेटे में टाइम लग जाता है, पूरा समेटे में टाइम लग। सब बिक गया है कि बच गया? बच गया, बाजार नहीं है, बच गया है। बाजार नहीं है नहीं। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं? लोगों को तो आप खिला देते हैं लेकिन कैसे होगा? बहुत तकलीफ से काट रहे हैं समय। बेटा बेटी क्या करता है? वो समान अभी घर पर है। सबसे महंगा अभी क्या चल रहा है बताइए? सबसे महंगा चल रहा है सोहजाना, चल रहा है परवल, चल रहा है। परवल, परवल कैसे? 50 के पाव चल रहा है। 50 के पाव? हाँ, सोहजाना भी 40 रुपये, 50 रुपये पाव चल रहा है। आप यहाँ आ जाइए चाची, यहाँ आइए। आपका नाम क्या हुआ? इंदु देवी। इंदु देवी, ये बताइए सबसे महंगा क्या चल रहा है? परवल, भिंडी, करेला, मुर्गा। मुर्गा? सहजाना। सहजाना, देखिए। और इतना सुबह कब लगाते हैं, कितने बजे लगाते हैं? 6 बजे। सुबह 7 बजे लगाते हैं। 7 बजे लगाते हैं। 7 बजे से 12 बज गया, कुछ खाए कुछ पिए कि यहीं रह गए? 7:30 से लगाते हैं। शाम में 7 बजे? सुबह में। फिर दोपहर में वही, हम तो सो जाते हैं एक घंटा दो घंटा के लिए। हाँ, लोग दिन से जाता है, ऐसे ही बेचते उतर रह जाता है। चलिए, और भी एक यहाँ पे है मौजूद जिनसे हम बात करेंगे। बताइए कि 12 बज गया फिर भी यहीं है, कितना कमा ली? लगभग काम कर लगी लिया है कुछ ना, कचरा वाला काम करने आए हैं। आप क्या करते हैं? आपका तो सब्जी का दुकान ना जी। हाँ। मजबूरी में रोड पर बेच रहे हैं, मजबूरी नहीं रहता तो रोड पर हम लोग। क्या सपना है आपका ये बताइए? सपना क्या आपका? अपना ये बाढ़ जब पढ़ लिख रहा, नौकरी चौकरी नहीं हो रहा अभी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से उम्मीद नहीं है? ये फॉर्म ना भर रहा। कौन फॉर्म? बेटा को क्या चाहती है, क्या बना दें? बेटा का नौकरी रेलवे में कुछ में हो जाए बुदरू। रेलवे में? हाँ। आप? हम लोग तो बुढ़ापा होएंगे तो हम तो लोग गुजारा हो जाता है कि दिक्कत बहुत होता है। ये चाहते हैं कि हम लोग के मजबूरी में रोड पर बेच रहे हैं, कोई सा अच्छा ऐसा धंधा मिल जाए कि मजबूरी हम लोग नहीं मन करता। हाँ नहीं, रोड पर हम लोग क्या करने का मन करता ही बताइए। कोई हल्का काम मिल जाए। हल्का काम जैसे क्या? कोई सा अथी मजदूरी। हाँ, क्या रोजगार? लेकिन सब्जी बेचना मंजूर नहीं है, बहुत खटना है, बहुत दिक्कत है, रातला जगह रहते हैं बोर्ड में, खाई के ना पिए के रोड पर मजबूरी में। कुछ रोजगार नहीं था करे घर पर कर ही पड़ता है। मजबूरी नहीं रहता तो रोड पर हम लोग क्या खा के गुजी, छह गो बाल बच्चा ये नहीं करेंगे ना भूखे मरेगा बच्चा। इसे करने पड़ता है, खिलाने पड़ता है, कमा कमा के बाल बच्चा लगी कुछ करेंगे ना भाई। छह गो बच्चा रेलवे में डालना चाहती है कि किसी और को कहीं और? कोई ज्यादा पढ़ल तो रेलवे में करेगा, कोई और कुछ में करेगा, कम पढ़ल वाला। दिक्कत बहुत है, बस मजबूरी में सब्जी बेच रही है। बाल बच्चा पढ़ा सब्जी सब्जी लोगों को तो खिलाती है लेकिन खुद सब्जी का ठिकाने नहीं है, मुँह के ना पके में खाए के। खिलाते सबको बाकी अपने खाने का टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता पकवे के खाने। आप जाएंगे घर तो सो जाएंगे या यहीं सोएंगे? नहीं, रूम पर जाते हैं। रूम बजाएंगे ना? हाँ। रूम ली है? हाँ, रूम ले वाले खाएंगे। कितना भाड़ा लगता है? 3,000 का महीना। 3,000 महीना? एक दिन में कितना कमा लेते हैं? एक दिन में 1,000 रुपया कमा लेते हैं। हाँ, एक घर 1,200 हो जाता है। 1,200 हो जाता है। 6 बाल बच्चा? 6 को बाल बच्चा। आपका शादी वादी हो गया? नहीं, सब कुमार है। सब कुमार है? सब पढ़ लिख रहा। सब पढ़ लिख रहा है? सबको आप रेलवे में डालना चाहती हैं? हाँ, मैंने पढ़ा ले बेटी। सर किसी को ना? सब पढ़ लिखा नहीं है, अब पढ़ रहा है, लिख रहा है। अब पढ़ रहा है ना लड़कन बुतरू, अब पढ़ रहा है। पर रेलवे के फार्म भर ले पढ़ के बेटा, नहीं आ रहा है मजबूरी में सब्जी बेचना पड़ रहा है। उन लोग भी बेचता है? हाँ, बीए कैले है और मजबूरी में नहीं रोजगार मिलता है। कॉलेज जाता है, कॉलेज से आके सब्जी बेचता हूँ, बेच रहा है कॉलेज जाते परीक्षा दे। माँ को तो अच्छा नहीं लगता होगा कि उसका बेटा सब्जी बेचे।
परीक्षा देके आता है कॉलेज से, बाबू तराजू पकड़ के बैठता है, बीएससी पास कर करके बैग लेके पढ़े जाता है, पढ़ के आगे सौदा खरीदे मंडी में, बैग लेके सब्जी बेचने बैठता है। 12 बजे दर्द बोल रहा है या गुस्सा बोल रहा है? गुस्सा बढ़ रहा है कि जाके खाते पीते आराम कर दे, तभी जहाँ अकेले है बेरियल घेरेंगे बाड़ेंगे। देखिए दिक्कत सबको होता है, सबके लाइफ में होता है। ये लोग सुबह फिर 7 बजे आएंगे और लोगों को सब्जी देंगे, लेकिन खुद को खाने का ठिकाना नहीं। इनके 6 बच्चे हैं और जो लोग जितने भी मौजूद हैं वो कॉलेज जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और बैग लेके यहाँ पे पहुँच जाते हैं सब्जी बेचने के लिए। रात के 12 बजे अगर किसी सब्जी वाले का कहानी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा अजीब कि अरे शाम में बिकता है सब्जी, दिन में बिकता है सब्जी, ये 12 बजे रात में ये सब्जी वाले क्या बोल गए, क्या कह रहे थे, क्या कहानी था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।